नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर। और आज हम फिर आ रहे हैं अपनी फेवरेट वीडियो संडे क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं आपने क्या क्वेश्चन पूछे हैं पिछली वीडियो में। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में पूछे ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। तो यहां पर चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तम सिंह पूछ रहे हैं, कह रहे हैं राम राम जी। तो राम राम भाई जी उत्तम जी। और स्टार की कह रहे हैं, सर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है गट पावर के, प्लीज कुछ बताओ। तो कॉन्स्टिपेशन का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं आपको, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो यार। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, विद इन 3 to 4 days जो है आपका जो कब्ज की प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। और रात को इसब गोल आता है नॉर्मल, आपको कहीं भी पंसारी की दुकान पे या फिर जो नॉर्मल जो स्टोर होते हैं परचूने की दुकानें उन पे मिल जाएगा आपको। रात को दूध के साथ आप उसे लें। अगला क्वेश्चन आ रहा है सहगल जी, कह रहे हैं सर बेस्ट एज टू ज्वाइन जिम एंड ये प्रोटीन ले सकते हैं क्या। तो यहाँ पर एज तो ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो मैं तो कहता हूँ कि 15-16 में भी आप जा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपका बॉडी गोल क्या है। बाकी जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा 18 से ऊपर जाएं। अदरवाइज जिम तो कभी भी जाओ, क्योंकि जिम जाने का मतलब 150 किलो की बेंच प्रेस मारना नहीं होता है, वहां पर वर्कआउट करना होता है। तो थोड़ा बहुत वर्कआउट आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ब्रांड के बारे में पूछ रहे हैं उसके रिव्यूज हमारे पास अच्छे नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ क्या ही कहूँ जब रिव्यूज अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारा गोल है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट बता सकूँ। और ये अगले कह रहे हैं यूट्यूब डैडी, कह रहे हैं सर लबराड़ा का रिजल्ट कैसे हैं, अगर प्रॉपर डाइट लें और स्टारएक्स मास गेनर लें या लबराडा। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि स्टारएक्स मास गेनर्स के रिव्यूज बेटर हैं। वैसे लबराडा भी जो है ब्रांड वैल्यू देखें तो लबराडा बेटर ऑप्शन पड़ेगा, बट अगर रिव्यूज देखें रिजल्ट देखें तो स्टारएक्स के लबराडा से कहीं अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। अंकित सैनिक कह रहे हैं क्रिएटिन वर्कआउट के बाद लेना चाहिए, वर्कआउट के 5-10 मिनट पहले। तो पहले लें आप क्रिएटिन को और लें उसको हाई जीआई कार्ब्स में, ग्लूकोज वगैरह गन्ने के जूस वगैरह में लें ताकि अच्छे रिजल्ट दे सके। पंकज जी कह रहे हैं सर बेस्ट प्री वर्कआउट कौन सा है। तो देखिए प्री वर्कआउट में यार देखो सबसे अच्छा सदाबहार प्री वर्कआउट C4 हो गया है, C4 काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। अदरवाइज साइकोटिक वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा हैवी पे जाना चाहते हैं तो आप। तेजवीर कह रहे हैं राम राम भाई, ऐसे ही मोटिवेट करते रहो, लव यू सप्लीमेंट्स वाला फैमिली। तो इतने प्यार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है राम राम, और मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करूंगा। अगला क्वेश्चन आया दीपक जी, कह रहे हैं बिग फैन, फैन नहीं फैमिली है दीपक जी आप। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर अंकित सैनी, कह रहे हैं मास्टेक गेनर अच्छा है सर या नहीं। तो मास्टेक बहुत अच्छा गेनर है। मास्टेक में भी दो आते हैं, एक्सट्रीम 2000 और एक सिंपल मास्टेक। सिंपल मास्टेक उसके लिए जो कि वजन कम मसल साइज ज्यादा, और एक्सट्रीम 2000 जो वजन ज्यादा मसल साइज सेकेंडरी रखना चाहता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा ब्रोकन, कह रहे हैं सर मेरी चेस्ट पर स्ट्रेच मार्क आ रहे हैं क्या करें। तो देखिए स्ट्रेच मार्क आना बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है, जब मसल साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेच मार्क आते ही हैं थोड़े थोड़े, पर वो थोड़े थोड़े वाले आ रहे हैं तो ठीक है। अगर गंदे वाले आ रहे हैं तो आप या तो ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं या डाइट में कमी है या कुछ ना कुछ आप गलत जो है अपना प्लान जो है अपना जो शेड्यूल है उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आप सुधार जरूर कीजिए। बाकी मैं आपको बता दूं नारियल तेल, इवियोन जो विटामिन ई कैप्सूल आते हैं, और एलोवेरा जेल, तीनों का पेस्ट बनाइए रात को जो है स्किन पर लगा के सोइए। स्ट्रेच मार्क जहां आ रहे हैं वो आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा गायब हो जाएंगे, बट वो स्किन में मिल जाएंगे, दिखेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है नीरज ठाकुर, कह रहे हैं सर मेरी बॉडी वेट है 98, हाइट है 180 सेंटीमीटर, 80 से 85 के लिए डाइट और प्रोटीन। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर समझ गया मैं, 80 से 85 करना चाहते हैं तो आप एक आइसोलेट प्रोटीन लीजिए, साथ में लें आप स्टारएक्स न्यूट्रिशन बर्न प्रो हैवी फैट बर्नर, और एक मल्टीविटामिन जरूर ऐड करें। अच्छे से आप जो है एक्सरसाइज करें, कैलोरीज डेफिसिट का ध्यान रखें, आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ले ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। मयंक जी कह रहे हैं सर ये गेनर के साथ ले सकते हैं और प्राइस बता दो, लबराडा और डायमेटाइज 3 kg पैकिंग और ये जो है प्राइस। तो मयंक जी मैं बता दूं कि जो आप पूछ रहे हैं ये जो है साइज बताने क्या आप पूछ रहे हैं, ये मेरे पास जो है नहीं है और ना ही मैंने इसके बारे में कभी सुना है। तो जिसके प्रोडक्ट के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना उसके बारे में आपको कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। और यहां पर जो है लबराडा अवेलेबल है, और लबराडा का जो अब करंट सेलिंग प्राइस है वो है 3300। जी हां दोस्तों, अब थोड़ा सा प्राइस का अप हो गया है और डायमेटाइज अभी आउट ऑफ स्टॉक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाइड्राब्रोकन, सर मसल गेनर का प्राइस क्या है, सर डाइट प्लान बताइए। तो सर मैं बताना चाहूंगा हाइड्राब्रोकन जी कि मसल गेनर स्टारएक्स न्यूट्रिशन जो मसल गेनर है उसका जो करंट सेलिंग प्राइस है वो 4050, जिसमें आपको अच्छी खासी मतलब 22 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहे हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिल रहे हैं, सारे विटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं, उसमें आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल रहे हैं, तो दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, लीजिए उसे, लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। हसीबुर जी कह रहे हैं सुमित भाई संडे को जिम बंद रहता है क्या उस दिन क्रिएटिन लेना चाहिए। तो हसीबुर जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएटिन रेगुलर चलाइए आप, जब आपने स्टार्ट कर दिया तो रेगुलर साइकिल रखिए उसकी, उसे ब्रेक ना होने दें। फहद व्लॉग कह रहे हैं पाकिस्तान में डिलीवरी होगा तो नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि पाकिस्तान में अभी डिलीवरी नहीं है, ओनली इंडिया में है। अबू जहर गफ्फारी कह रहे हैं हेलो सर, तो हेलो जी, और कह रहे हैं क्या सुबह खाली पेट खाड़ी मूंग की भीगी हुई दाल गेनिंग के लिए ले सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ले सकते हैं, बट उसको थोड़ा बॉइल्ड करके लें आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, कच्ची लेंगे तो उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और लूज मोशंस की काफ़ी शिकायतें आती हैं, और कच्ची हमको लेना भी नहीं चाहिए। दानी जी कह रहे हैं सर मसलटेक मास्टर एक्सरसाइज 2000 कब लेना है, जिम से पहले जिम के बाद। जिम से पहले लेंगे तो वॉमिट करेंगे एक्सरसाइज में, जिम के बाद लेना है दूध में साथ में बनाना ब्राउन ब्रेड ड्राई फ्रूट। ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे लेना है आपको मास गेनर, ताकि आपको पता लगे
अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं मास गेनर को। अगर एमडी कैफ कह रहे हैं भाई हमें डाइट प्लान आपसे मांगा था, आपने डाइट चार्ट दिया पर जितना डाइट प्लान में लिखा है पूरा इनटेक करना है, तो बिल्कुल अगर आपको गेनिंग करनी है तो पूरा आपको इनटेक करना है, क्योंकि यार सप्लीमेंट सेकेंडरी है, प्राइमरी जो हमारा जो बेस है वो है हमारी डाइट। जाहिद जी कह रहे हैं सर क्रिएटिन और टेस्टो पावर और पंपिंग प्लस और वे प्रोटीन कैसे यूज करें बताओ सर, कुछ किस टाइम पे करना है। तो ये कि क्रिएटिन आप एक्सरसाइज से पहले लें और जो पंपिंग प्लस है उसको थोड़ा वार्म अप के बाद ले लें आप, और टेस्टो पावर रात को दूध के साथ, प्रोटीन जो है पोस्ट वर्कआउट में इस तरीके से आप यूज करें और लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। अगला क्वेश्चन है जाहिद खान कह रहे हैं सर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है हिंदुस्तान में किसी पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, मैंने बहुत जगह ट्राई किया बट मुझे हर कहीं से फेक प्रोडक्ट मिला है, मेरा भरोसा उठ चुका है बॉडी बिल्डिंग लाइन से क्योंकि मेरे पैसे बहुत खर्च हो चुके हैं पर मुझे हर कोई फेक सामान देता है, बट जब से आपको फॉलो कर रहा हूँ 2 साल से अगर किसी पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है तो वो सिर्फ आप पे है। तो जाहिद खान जी इतने प्यार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद, और मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि मतलब एक ही समझो मेरे को, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, आपने पूरा बॉडी बिल्डिंग मतलब लाइन को ही गलत बोल दिया, गलत चीज़ है, पूरी बॉडी बिल्डिंग नहीं है ख़राब, तो आप ये ना कहें, और बिल्कुल इतने प्यार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है, और जुड़े रहिए आप सप्लीमेंट्स विला से और अपने एक्सपीरियंसेस और सप्लीमेंट्स विला को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इंद्रजीत जी कह रहे हैं सर मैं उड़ीसा से हूँ, सप्लीमेंट चाहिए आपके एड्रेस किधर है सर, एज है 25, मेरा 5x8 इन लेना चाहता हूँ सर। तो मैं समझ गया आपकी बात, तो 2500 की उम्र है आपका, क्या बॉडी गोल है, उड़ीसा जो है कोरियर सर्विस अवेलेबल है, ऑफलाइन लोकेशन है हमारी पलवल हरियाणा, बट कोरियर सर्विस अवेलेबल है, तो आप जो है व्हाट्सएप कीजिए कि आपका क्या बॉडी गोल है, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। रोहित गौतम कह रहे हैं सर मेरा साइज एक जगह रुक गया है, अब मैं गेन करने के लिए क्या गेनर लूँ या प्रोटीन बताइए सर जी। साइज गेन करना है तो आप जो है यहाँ पर मसल गेनर ले लें स्टार एक्स न्यूट्रिशन का, उसके साथ टेस्टो पावर, और अपनी एक्सरसाइज और डाइट में कुछ वेरिएशन दें, सुबह जिम जा रहे हैं तो शाम को कर दें जो आप सेट लाइक जैसे आप बाइसेप्स कर रहे हैं बाइसेप में डंबल कर्ल अगर आप से आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आप जो है बारबल कर्ल से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसे वेरिएशन दें ऊपर नीचे, आप देखेंगे आपके जो है रिजल्ट फिर से स्टार्ट होने लगे हैं। अमन अग्रवाल कह रहे हैं जय हिंद सर, तो जय हिंद अमन जी। विशाल मीना जी कह रहे हैं लव यू ब्रो, मेरी एज है 24, हाइट है 5'6" और वेट है 60, 3 महीने से जिम कर रहा हूँ, कौन सा मसल गेन के लिए बेस्ट प्रोटीन है, ये जो है रिजल्ट मिल रहा है सर। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा विशाल मीना जी, देखो बेस्ट प्रोटीन अगर मैं कहूँ इस टाइम मसल गेनिंग में तो वो चल रहा है 1 पे स्टारक्स न्यूट्रिशन, देन उसके बाद में जो है आप ले सकते हैं नाइट्रा वे, और देन फिर जो है नाइट्रोटेक और प्रो एंटी वगैरह का नंबर आएगा, बट सबसे पहले मैं कहूँगा स्टारक्स न्यूट्रिशन सबसे अच्छा चल रहा है इस टाइम, क्योंकि रिव्यूज और उसमें डाइजेशन का कोई इशू नहीं है, तो वो आप लें पावर प्रो प्रोटीन लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स वाला से। और अगला जो है आ रहे हैं लव यू सप्लीमेंट्स विला, तो जो है इनकी आईडी लव यू सप्लीमेंट्स विला है, कह रहे हैं एज है 23, हाइट है 5'3", वेट है अंडर 55, पेट निकल जाता है सिर्फ बॉडी में भी फैट इंक्रीज करना चाहता हूं, 10 kg वेट इंक्रीज करना है फुल स्टॉक बताओ सर ब्रो, लव यू सुमित भाई। तो मैं यहां पर जो है भाई को कहना चाहूंगा बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहां पर देखिए आप जो है एक पावर मास गेनर लें स्टारक्स न्यूट्रिशन का, उसके साथ में क्रिएटिन लें, साथ में एक टेस्टो पावर लें, इसके अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, डाइट फॉलो करें, बाकी पूरा सपोर्ट तो आपको सप्लीमेंट्स विला की तरफ से मिलेगा, ये सप्लीमेंट लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। आफ्ताब कह रहे हैं सुपर भाई तो इतने प्यार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है। अभिषेक जी कह रहे हैं सर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर किस एज में ले सकते हैं, मेरी एज 19 ईयर है, क्या मैं ले सकता हूं, तो यहां पर बिल्कुल ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यार ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके जो डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, टेस्टो पावर है जैसे स्टारक्स न्यूट्रिशन को, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो बिल्कुल ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। विनोद जी कह रहे हैं ब्रो मैं एक गरीब घर से हूं, मैं पेंटर का काम करता हूं, मेरी हाइट है 5'7", मेरा वेट है 57 kg, सप्लीमेंट लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कोई सस्ता वाला सप्लीमेंट बताएं, मुझे वेट गेन करना है। तो विनोद जी देखो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सप्लीमेंट को जादू चमत्कार ना समझे, मैं कहता हूं कि सप्लीमेंट आप लो ही मत, मैं सबसे पहले ये कहूंगा क्योंकि परिवार है आप मेरा, आप ये मेरी ये वीडियो देख लें सुबह से शाम तक क्या खाना है, इस वीडियो को देख लें विनोद जी, इसे आप फॉलो कर लें, मैं कहता हूं कि आपका 2-3 किलो वजन वैसे ही बढ़ जाएगा यार, उसके बाद आप सप्लीमेंट पे जाएं, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए मैं भी आम आदमी हूं, मेरे लिए भी पैसा मैटर करता है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाइट बेस है, ये वीडियो देखें आपको पता लगेगा। अगला क्वेश्चन है AKG कह रहे हैं लव यू ब्रो, तो लव यू टू। JD कह रहे हैं ब्लैक स्पाइडर फैट बर्नर रिव्यू कीजिए, तो ब्लैक स्पाइडर जो है मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बैन है, वो नहीं है हमारे पास, और आपको पता है कोई भी बैन जो सप्लीमेंट है उसको हम जो है बिल्कुल सेल परचेस नहीं करते, क्योंकि यहां पर सेल का गोल नहीं है, यहां पर है परिवार का ख्याल रखना। संजू जी कह रहे हैं
बेस्ट बल्क मास गेनर कौन सा है, प्राइस कितना होगा? तो यहाँ पर बेस्ट बल्क मास गेनर की बात करूँ तो वो है स्टारएक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर, जिसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स हेल्दी कार्ब्स, प्रोटीन मिलेगा, सारे विटामिन मिनरल डाइजेस्टिव एंजाइम सब कुछ दिया हुआ है। प्राइस है सिर्फ 29 रुपये 3 किलो। लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। फिल द बर्न कह रहे हैं सुमित भाई, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, आपका साथ चाहिए, 70 kg के कैटेगरी में रह के 80 लाइक बॉडी लेके जाना है, बताओ भाई कैसे क्या करें, डाइट वगैरह सप्लीमेंट वगैरह सब बता दो, बाकी मेहनत पूरी, वेट 69 है, हाइट है 5'9". तो बिल्कुल जो है आपके जज्बे को जो है सैल्यूट है, और मैं चाहता हूं कि आप जाएं, बट देखो गलत चीज़ मत लेना बिल्कुल भी, चाहे कंपटीशन हारें या जीतें, पर गलत चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि ज़िंदगी बनी रहनी जरूरी है। और यहां पर जो है आप अभी एक साइज गेनिंग प्रोटीन ले लें, स्टारएक्स न्यूट्रिशन का पावर प्रो, उसके साथ एक टेस्टो पावर ऐड कर लें, और एक मल्टीविटामिन अभी स्टार्टिंग में आप सिर्फ ये लें, अच्छे से वर्कआउट करें, डाइट का पूरा ध्यान रखें, कार्ब्स और प्रोटीन इनटेक को पूरा रखें, ताकि आपको जो अच्छे मसल बिल्डिंग हो सके। वर्कआउट तो आपने बोल दिया, मेहनत पूरी करेंगे आप, लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। यासिन खार कह रहे हैं लव यू सप्लीमेंट्स वाला, नमस्कार सुमित भाई जी, मेरा नाम यासिन है, उम्र 28 है, 5'8" वेट है मेरा, 59 kg, मैं अपना 75 kg करना चाहता हूँ, कोई जल्दी रिजल्ट देने वाला सप्लीमेंट बताएं जो कि एक स्टैक में काम बन जाए। तो यासिन जी देखो यार, एक स्टैक में काम कैसे बनेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी है कि आप मतलब जो है बड़ी पैकिंग लेना चाहते हैं तो आप लबराड़ा ले सकते हैं 12 LBS, जो कि अब अवेलेबल हो गया, बट प्राइस जो है हाइक हो चुके हैं, ये मैं पहले बताऊंगा आपको लबराड़ा के। और अगर आपका बजट कम है तो आप ले सकते हैं स्टारएक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर, जिसके इस टाइम रिव्यू सबसे अच्छे आ रहे हैं, उसके साथ में क्रेडिन ऐड कर लें, डेट से डाइट पूरी फॉलो करें, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, और जल्दी का काम शैतान का, धीरे धीरे ही गेनिंग होगी यार। अगला क्वेश्चन है दिलीप परमार जी कह रहे हैं सर आपने वीडियो नहीं बनाई माइ ड्रॉल पर, तो मैं जो है इसको लेकर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं बता दूं कि ये मतलब जो है मतलब बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट है जो इंडिया में बैन है, जिनका बिल वगैरह नहीं मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मैं यहाँ पर जो है ना आपको यूं ही नहीं कि आपकी डिमांड आ रही है बस कोई भी ब्रांड आपको दे दी, नहीं, मेरा गोल है कि आपको वही ब्रांड दूँ जिसमें मेरा दिल बोले कि ओके है ये, जिसमें रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं जो है सप्लीमेंट्स विला पर आपको वही ब्रांड सजेस्ट करूँगा जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं। मोहित कुमार जी कह रहे हैं सर कि ये एल आर्जिनिन कैसा है इस ब्रांड का, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी ब्रांड हैं जिस ब्रांड का आप नाम ले रहे हैं वो भी उसमें इंक्लूड है, जिसका मैंने रिव्यू किया था, बट रिव्यूज़ बहुत डाउन है, बहुत नेगेटिव है, और कंपनी क्वालिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, तो इसलिए हम इसमें सेल नहीं करते हैं। बाकी एल आर्जिनिन आप लेना चाहते हैं तो गेट स्पोर्ट्स का ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, बजट कम है तो आप स्टारएक्स का ले सकते हैं, 1000 mg एक टैबलेट, दी बेस्ट ऑप्शन है दोनों ही आपके पास। अफरीद जी कह रहे हैं अफरीद बापरी बेलगम कर्नाटका वीडियोज़ फोर जो ओके, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। वर्मा साहब कह रहे हैं भाई भाई मैं कुछ भी करता हूं लाइक नॉर्मल फूड से मेरे को फेस ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है, प्लीज़ आप बताएं। तो देखो फेस ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी बॉडी में होती है कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब डाइट हैवी करी तो मुँह जो है थोड़ा ज़्यादा मतलब जो है फूलने लगता है। देखो मैं आपको बता दूं कि यार हमारी बॉडी डिसाइड करती है कहाँ फैट स्टोर करना है, कहाँ से लेना है, ये बॉडी टाइप है। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस वगैरह जो है इंक्लूड कर दें, और हेल्दी कार्ब्स लें आप, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, ताकि आपको जो है ये प्रॉब्लम ना आए, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। शुभम जी कह रहे हैं भाई रक्षाबंधन के बधाई हो, मैं आपके पास ही सप्लीमेंट जाऊँगा। तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, और इतने प्यार सपोर्ट के दिल से धन्यवाद, और आपको भी बधाई हो तो आप आइए सप्लीमेंट्स विला पर। अगला क्वेश्चन है मंगल सेन कह रहे हैं भैया रूल वन वर्सेस वन साइंस नाइट्रा वे की वीडियो बनाई, तो इसको लेकर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है राजेश धूल जी कह रहे हैं सर मेरी हाइट है 5'11", मेरी बैक लेग्स बाइसेप्स मस्कुलर है पर टमी फैट है, जो कि बहुत कुछ सप्लीमेंट एंड वर्कआउट एंड रेगुलर डाइट के बाद भी कम मुश्किल होता है या विद इन ए मंथ पुट ऑन हो जाता है आफ्टर ए 2 short break, प्लीज एडवाइज मी सर व्हाट इज द रीजन ऑफ फास्ट गेनिंग। देखो मैं बताना चाहूँगा राजेश धूल जी, यही चीज़ मैं समझाता हूँ कि देखो जो फैट स्टोरेज है, कहाँ से फैट स्टोर करना है, कहाँ से फैट लेना है, इसमें हमारी बॉडी की मोनोपोली चलती है। यही रीज़न है कि देखो पूरी बॉडी मस्कुलर है बट पेट जल्दी निकल जाता है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनको चेस्ट फैट ज़्यादा आता है, ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनको जो है फेस फैट यहाँ पे गर्दन के यहाँ पे फैट ज़्यादा आता है, किसी को बेली फैट ज़्यादा आता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये है कि भाई वही वाली बात है कि रेगुलर मेंटेन रखो, एक्सरसाइज करते रहो, और एल-कार्निटिन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको रिजल्ट मिलते रहें। मेंटेनेंस ही आपका इलाज है, मेंटेन कीजिए। शहनवाज जी कह रहे हैं डायमेटाइज आइसोंड्रा अवेलेबल है और क्या प्राइस है, तो अभी अवेलेबल नहीं है, ना ही इंपोर्टर के पास, ना ही सप्लीमेंट्स विला के पास। अगला क्वेश्चन आ रहा है विजय कुमार जी कह रहे हैं भाई मेरी हाइट है मेरा वेट है 46, एज है 16-17, हाइट है 5'1", मैं क्या लूँ भाई? तो यहाँ पर आप जो है पावर मास गेनर ले, स्टारएक्स न्यूट्रिशन 15+ वाले उसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वजन बढ़ सके, डाइट का पूरा ध्यान रखें, ले ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। मुकेश जी कह रहे हैं सर मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है, मेरी एज 20 है, हाइट 5'5" है, वेट है 40, मैं मसल टेक एक्सट्रीम 2000 लेने की सोच रहा हूँ, क्या ये मेरा वेट गेन
के लिए ठीक रहेगा। तो बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बढ़िया गेनर है MuscleTech Mastec Action 2000, आप लीजिए उसे। 6 LVS पैकिंग अवेलेबल है, उसके साथ एक क्रेडिन ऐड कर लें और एक गट पावर, ताकि भूख भी आपकी थोड़ी बढ़ती रहे। तो ये तीन चीज आप ले लें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। अगला क्वेश्चन आ रहा है गौतम। गौतम कह रहे हैं, सर मेरी बाइसेप्स साइज है 17 पर आकर रुक गया है, 1 इंच इंक्रीज कैसे होगा? क्या सर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग अप्लाई करूं वर्कआउट में, प्लीज बताओ सर। तो गौतम जी, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग तो बेस है, जितना हैवी लिफ्ट करोगे उतना ही मसल ब्रेकडाउन होगा, उतनी बेटर तरीके से हाइपरट्रॉफी प्रोसेस होगा, उतनी बेटर तरीके से मसल बिल्डअप होगी। तो ये चीज समझे, हैवी तो आपको लिफ्ट करना है पर वेरिएशन के साथ, वेरिएशन भी दें, एक्सरसाइज में वेरिएशन दें, एक्सरसाइज चेंज कर ले। जो कभी आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज नहीं की है उनको ट्राई करें, वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन को अच्छा लेना चाहते हैं तो पावर प्रो जो सारे का गेनिंग प्रोटीन है वो काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। एमडी राजा खान ब्रो नाइस सर, तो इतने प्यार सपोर्ट के लिए धन्यवाद है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहित जी, कह रहे हैं पाजी मसल गेन भी हो ते वेट गेन भी हो सप्लीमेंट सजेस्ट दसो कडा किदा उससे करा, एज 26 है, हाइट 5'7" वेट 55। तो यहाँ पर आप लोग स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर प्लस मसल गेनर, वजन भी मसल साइज भी 22 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में, सारे विटामिन मिनरल सब कुछ दे दिया है, तो उसे लें आप अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है आदर्श बॉम्बे, भाई सिट्रुलिन और पंपिंग प्लस टैबलेट में क्या फर्क है, या दोनों हम दोनों खरीद लें? नहीं, कोई एक ले लें आप, दोनों का काम पंपिंग का है। देखो सिट्रुलिन अंदर जाएगा पहले बॉडी, उसे आर्जिनिन में कन्वर्ट करेगी, देन उसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लाई और पंपिंग का काम होगा, और आर्जिनिन डायरेक्ट जाएगा और जल्दी काम करेगा। बट आर्जिनिन का जो है मतलब बॉडी जो बाहर से आर्जिनिन लेती है उसका मैं कह सकते हैं कि 50-60% यूज कर पाती है, 40% वो जो है निकल जाता है। बट जो सिट्रुलिन लेते हैं आप, सिट्रुलिन का जो है काफी बड़ा मतलब बॉडी जो अपना आर्जिनिन बना रही है ना उसका मेजर पार्ट यूज करती है 80-90%, जो बाहर से आर्जिनिन लेंगे उसका 50-60%, समझे आप इस बात को। तो सिट्रुलिन से बॉडी अपना बनाएगी और अपने को जो है 80-90% यूज कर लेगी, और जो आर्जिनिन बाहर वाला लेंगे आप तो उसको जो है 50-60%। बट सिट्रुलिन का रिजल्ट थोड़ा स्लो है, क्योंकि सिट्रुलिन देन आर्जिनिन देन फिर मसल मसल पंपिंग, और आर्जिनिन डायरेक्ट गया और देन मसल पंपिंग का काम जल्दी हो जाता है। तो जल्दी का काम सिट्रुलिन उसका लें आप आर्जिनिन, और अगर आप चाहते हैं लेट बट ज्यादा बेटर काम लें तो सिट्रुलिन, मतलब दोनों का काम सेम है। बट समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ रहे हैं तो फिर पूछो, मैं बताऊंगा आपको, इसको लेकर एक वीडियो में बाकी पर्टिकुलर बना दूंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सैंडी जी, कह रहे हैं लव यू सप्लीमेंट सुला, सर मेरी मेरा वेट है 70 kg, बाइसेप्स साइज 14.5 है, मुझे बल्क करनी है बॉडी में, कौन सा सप्लीमेंट लूं? यहां पर बल्क करना चाहते हैं आप तो आप लें सारेक्स न्यूट्रिशन का पावर प्लस मसल गेनर, वजन भी मसल भी, यार एक स्कूप में 22 ग्राम प्रोटीन है, सारे विटामिन मिनरल सब कुछ है उसके अंदर, तो उसे लें आप, लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। अगला क्वेश्चन आ रहा है एमडी अजरुद्दीन जी, भैया प्लीज आरसी किंग मास गेनर लेना है ओरिजिनल इससे, और आप लिंक दे सकते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लबराडा को लेकर एक वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो देख लें, 3500 रुपये में लबराडा कहाँ से मंगवाया मैंने, बहुत पॉपुलर साइट है। बच्चों यार ओरिजिनल लीजिए सप्लीमेंट फिला से, और मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ आरसी किंग मास अभी सप्लीमेंट फिला पर भी आउट ऑफ स्टॉक है, और आपका जो है इंपोर्टर पे भी, हाँ 15 और 20 LVS पैकिंग अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है तमीम चीपा, कह रहे हैं हेलो सर, सर मेरा एक क्वेश्चन थी आपसे, मसल ये कंपनी के एक्सल मास गेनर रिव्यू और उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स के साथ वीडियो बना देते तो काफ़ी हेल्प हो जाती, अगर पॉसिबल हो तो जरूर बनाना प्लीज सर, थैंक यू। तो बिल्कुल जो है मैं इसको लेकर जरूर स्टडी करूंगा, देखो मैंने इसका नाम नहीं सुना, मैं इसको लेकर स्टडी करूंगा क्या ब्रांड है क्या नहीं है, उसके बाद मैं इसको लेकर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है नईम सिद्दीकी, कह रहे हैं भाई आपका शॉप कहां पर है, कौन सी जगह पर है? तो शॉप ऑफलाइन जो लोकेशन है वो है पलवल हरियाणा, ऑनलाइन तो supplementsala.com, ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है डीजे दिनेश, कह रहे हैं स्टार एक्स न्यूट्रिशन किसका ब्रांड है, क्या आपका खुद का है और कहाँ का है ये? तो डीजे दिनेश जी ऐसा नहीं है, स्टार एक्स न्यूट्रिशन मेरा ब्रांड नहीं है, मेरा कोई भी ब्रांड नहीं है यार, और ना ही मेरी कोई पेड प्रमोशन होती है, कुछ नहीं होती है। देखो मैं आपको वही ब्रांड सजेस्ट करता हूँ जिस ब्रांड के रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, जिसको तारीफ कर रहे हैं आप सब लोग, तो मैं वही ब्रांड आपको सजेस्ट करूंगा, वरना बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका मैंने स्टार्टिंग में रिव्यूज किया है, आपने वीडियोस देखी होंगी, पर आज मैं उनको ना तो सेल करता हूँ ना सजेस्ट करता हूँ, क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी थर्ड क्लास है यार, इतने गंदे उनके जो है रिव्यूज हैं, तो मैं उनको क्यों सेल करूँ? बेशक जो है कितना ही उसकी डिमांड आती रहे, वो ब्रांड की, उन ब्रांड्स की डिमांड काफी आती है आज मेरे पास, पर आज मैं सेल नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ सेल का गोल नहीं है। और ब्रांड चाहे स्टार एक्स है, चाहे आरसी है, चाहे कोई भी है, अगर रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर रिव्यूज अगर कभी भी कोई भी खराब रिव्यू आता है ना तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आरसी का डाइजेशन का इशू था, बट स्टिल मैं कहूंगा कि वो जो है रिजल्ट में दी बेस्ट है, पर डाइजेशन उसका हार्ड है। अगर मैं बात करूं उसको जो है पिंपल्स को लेकर भी एक जो है एक हमारे फैमिली मेंबर ने कंप्लेंट की थी, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। तो मुझे ब्रांड से मतलब नहीं, मुझे आप लोगों से मतलब है, जिसके अच्छे रिव्यूज हैं उनको सजेस्ट करूंगा, जिसके अच्छे रिव्यूज नहीं है उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल सा फंडा है। और इस टाइम स्टार एक्स न्यूट्रिशन के जो रिव्यूज हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं,
और लव यू सुमित भाई एंटरटेनमेंट, तो लव यू टू जी। अगला क्वेश्चन है दिव्यांशु गुप्ता, दिव्यांश गुप्ता कह रहे हैं लव यू सर, मेरी माई ए हाइट इज 6 feet, माई वेट 60 kg, आई वॉन्ट मास गेनर, विच वन इज बेस्ट प्लेस आंसर मी। तो दिव्यांश गुप्ता जी यहाँ पर आप ले सकते हैं RX Nutrition पावर मास गेनर, काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, ओट्स, अमरंथ, बकवीट, इस टाइप में प्रोटीन जो उसमें जो है सुपर ब्लेंड है, मतलब आइसोलेट कंसंट्रेट हाइड्रोलाइसेट कैसीन, उसमें अगर देखें तो सारे विटामिन मिनरल्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास नियोइनल सप्लीमेंट सलाह से। रोयन जी कह रहे हैं सर 1 साल से मैं जिम जा रहा हूं, मेरा बॉडी में फैट ज्यादा है, मुझे फैट निकाल के मसल बिल्ड करना चाहता हूं, मुझे कौन सा सप्लीमेंट यूज करना चाहते हैं? यहां पर एक आइसोलेट प्रोटीन लें, एक कैल्कानेटाइन और एक मल्टी विटामिन आप ऐड करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट आ सके, लियोइनल सप्लीमेंट्स विला से। भूमि कह रहे हैं सर सोयाबीन के फायदे और साइड इफेक्ट्स बताएं, तो इसको लेकर मैंने वीडियो पर्टिकुलर बनाई हुई है और एक और वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको, बताऊंगा क्या फायदे हैं क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है राहुल शर्मा कह रहे हैं भैया मेरी हाइट 6 feet है, वेट है 68, एज है 22 है, मुझे अपना वेट गेन नहीं करना बस मसल बढ़ाना है, बॉडी बहुत स्किनी है, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? तो मैं समझ गया, यहाँ पर आप देखो दो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप लें एक साइज गेनिंग प्रोटीन, या फिर आप चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ता रहे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लाइक 1-2 किलो, तो आप जो है StarX Nutrition का पावर प्लस मसल गेनर ले लें, क्योंकि उसके एक स्कूप में 22 ग्राम प्रोटीन है, सारे विटामिन मिनरल सब कुछ है, तो वो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, ले ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। आदेश पांडे कह रहे हैं बड़े भाई को राम राम, मुझे ना 15 kg लीन मसल गेन करना है, कौन सा सप्लीमेंट अच्छा रहेगा? तो बिल्कुल राम राम जी, यहाँ पर आप जो है StarX Nutrition का जो है पावर प्लस मसल गेनर यूज करें, ले ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से, वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। प्रीतम जी कह रहे हैं लव यू भाई, तो लव यू टू भाई, मेरी वेट है 60 kg और हाइट है 5-6 inch, हाँ मुझे मसल साइज भी बढ़ाना है और वेट 70 करना है, सो प्लीज़ बताएं कि कौन सा सप्लीमेंट पैक लेना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो है प्रीतम जी, आप स्टार्टिंग में एक जो है पावर मास गेनर ले लें StarX Nutrition का, उसके साथ एक क्रेडिन ऐड कर लें, टेस्टो पावर, ये सप्लीस ये स्टैक ले लें, इसके बाद में फिर हम जो है प्रोटीन पर आ जाएंगे, एक बार थोड़ा सा भर जाए शरीर देन प्रोटीन पर हम आ जाएंगे, लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। अगला क्वेश्चन है अंकुश पावर पोवर जी कह रहे हैं हाइड्रा हाइड प्री वर्कआउट कब तक अवेलेबल होगा सर? C460 सर अवेलेबल, तो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, जैसे अवेलेबल होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। देसी टोका कह रहे हैं क्रेडिन क्या फैट लॉस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं? देखो क्रेडिन ले सकते हैं, क्रेडिन का ना तो फैट लॉस से कोई गेन लेना देना है, ना ही वेट गेन से, ना ही मसल गेन से, उसका लेना देना है आपके फिजिकल परफॉर्मेंस से, मसल्स को हाइड्रेट रखता है, जब फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो फैट लॉस में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी मिलेगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है SK अमन कह रहे हैं यार ये गलत बात है, पहले बोलो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, जब ऑर्डर किया हुए 15 दिन हो चुके हैं तो आप बोलोगे कि पेमेंट पहले करो। SK अमन जी मैं देखो माफी चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको ये परेशानी हुई है, देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या पंगा है, इसमें पंगा जो है ना मतलब आप समझो मेरी खुद की कोरियर कंपनी नहीं है, मैं अब जो हमारे कोरियर पार्टनर हैं उनसे कोरियर कराता हूं, और मेरे कोरियर पार्टनर हैं मैं मतलब जो पिन कोड पे जिसकी सर्विस जिसकी अच्छी है, मैं कोरियर डिलीवरी से भी करा देता हूं, मैं कोरियर DDDC से भी करा देता हूं, मैं कोरियर ट्रैकॉन से भी करा देता हूं, पर जिसकी जहां कोरियर सर्विस अवेलेबल है, जिसकी कोरियर सर्विस अच्छी है, मैं जो है उससे करा देता हूं। अब क्या है कि काफी बार ऐसा होता है, ये कोरियर वालों की तरफ से होता है, कोरियर वालों से हम कहते हैं कि मतलब हम जो उनका सॉफ्टवेयर है उनका उसको जो है चेक कराते हैं कि इस पिन कोड पे कैश ऑन डिलीवरी है, वो कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी है, बट जब हम कोरियर भिजवा देते हैं उसके बाद पता लगता है वो कहते हैं कि सर नहीं यहाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो इसको लेकर मैंने उनको कंप्लेंट भी की है कि भाई ऐसे मत करो, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स फिर मेरे ऊपर डाउट करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट स्टार्टिंग में अगर मैं उनसे कह दूं कि भाई नहीं यहाँ कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको लेकर SK अमन जी मैं आपसे और पूरी फैमिली से माफी चाहता हूँ, और आप समझे इस चीज़ को कि थोड़ा सा जो है आप कॉपरेट करें, क्योंकि समझें कि यार मेरी खुद की कोरियर कंपनी होती फिर तो यार कैश ऑन डिलीवरी किया मैं खुद देने के लिए आता आपको, तो थोड़ा सा आप कॉपरेट करें, और बाकी जो है अगली बार मैं माफी चाहूंगा, ऐसी गलती नहीं होगी हमारी तरफ से। अगला क्वेश्चन आ रहा है उबेद खान कह रहे हैं मेरी एज 18 होने वाली है बट वेट 40 kg है, वेट गेन करना है, तो यहाँ पर आप लें StarX Nutrition पावर मास गेनर ताकि आपका वेट बढ़ सके और डाइट को पूरा अच्छे से फॉलो करें। अगला क्वेश्चन है अंकुश उपाध्याय कह रहे हैं सर मैं क्रेटीन लेता हूं, अगर मेरे क्रेटीन लेना स्किप कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो होगा प्लीज टेल मी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार, क्रेटीन सबसे सेफ सप्लीमेंट है, वाटर इनटेक अच्छा रखना, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन आ रहा है बीसी गेमिंग कह रहे हैं सर मेरी एज 19 है, वेट है 49, मैंने GNC 11 lbs गेनर लिया है सही रहेगा? तो GNC बिल्कुल, GNC का जो गेनर है 11 lbs का मतलब जो है आपका 5 किलो का जो वो गेनर आती है बाल्टी आती है वेट गेनर, वो ठीक है वजन बढ़ाने के लिए, मसल साइज तो वो काफी कम देगा पर वजन बढ़ाने के लिए अच्छा गेनर है,
और लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। अगला क्वेश्चन है निखिल जी कह रहे हैं, हेलो सर जी, सर बॉडी में लेग्स बहुत पतले हैं, लेग्स गेन करना है तो क्या करें, मास गेनर ऐड करें क्या? तो यह नहीं, देखो लेग्स मास गेनर से ऐड नहीं होंगे, लेग्स आपकी गेन होंगी आपकी वेट ट्रेनिंग से। जितना हो सके प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करो, हफ्ते में 2 दिन लेग्स को ट्रेन करो और प्रोटीन इनटेक अच्छा रखो यार। और प्रोटीन के लिए अच्छा सप्लीमेंट बता दूं मैं आपको, स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर प्रो साइज गेनिंग प्रोटीन दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है अंकित जी कह रहे हैं, सर प्रोटीन वर्कआउट की कितनी देर बाद ले, कितनी देर में लेना चाहिए? तो मैं बता दूं अंकित जी, देखो प्रोटीन सबसे पहले वर्कआउट के बाद थोड़ा पानी लेना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेशन की सबसे ज्यादा नीड होती है, देन उसके बाद में आप प्रोटीन ले सकते हैं, मतलब 10-15 मिनट के अंदर अंदर ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है राहुल जी कह रहे हैं, सर ऐसा मास गेनर बताएं शरीर भर जाए पूरा तगड़ा। तो यहाँ पर आप लें स्टार एक्स पावर मास गेनर, जिसके रिव्यू सबसे अच्छे इस टाइम आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अमनदीप जी कह रहे हैं, कॉम्पिटिशन खेलने के लिए तो स्टीरॉयड की लोड पड़ती है, बिना स्टीरॉयड के तो कॉम्पिटिशन में कोई प्लेस नहीं आ सकती, आपका क्या कहना है? तो अमनदीप जी देखिए ऐसा नहीं है, वरना बहुत सारे जो यार मैं कहूँगा कि किसी भी देखो बड़े बॉडी बिल्डर का अगर आप नाम लेंगे ना, तो आप देखो उसकी एज एक बार पूछना, बहुत उम्र लगती है एक, उनकी एज जो है 40-42 ऐसी उम्र होती है यार उनकी, एक उम्र लगती है उस स्टेज तक पहुँचने में। हम ये नहीं कह सकते कि यार वो सभी स्टीरॉयड्स लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि स्टीरॉयड्स एक मतलब कल्प्रिट है बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, कल्प्रिट है एक स्टीरॉयड, बट ऐसा नहीं है कि यार सभी स्टीरॉयड लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, डेडिकेशन के साथ चलेंगे, तो आप जो है जरूर सक्सेस होंगे। बट ये है कि आपको सिंपली एक एडवाइस करूंगा कि बॉडी बने ना बने, कंपटीशन जीते ना जीते, जिंदगी बनी रहनी जरूरी है, ये मैं आपसे कहूंगा। ये वीडियो देख लें, दैनिक जागरण फ्रंट पेज न्यूज थी, 23 साल का लड़का कैसे जान गंवा दी अपनी, देख लें आपको बाकी समझदार हैं आप। और हर फील्ड में जो है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो ये तो आपको पता ही है, वो हर फील्ड की कहानी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद जी कह रहे हैं, हेलो ब्रो, आई एम 87 kg, 22 ईयर्स, आई वांट मसल गेन प्रोटीन, वांट टू इंक्रीज माय आर्म्स चेस्ट बैक, कैन यू रिकमेंड मी बेस्ट मसल गेन प्रोटीन? तो यहाँ पर आपने स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर प्लो गेनिंग प्रोटीन, उसके साथ एक स्टार एक्स टेस्टो पावर, ताकि आप कुछ रिजल्ट आ सके। ओरिजिनल सप्लीमेंट सलाह से अली कासिम कह रहे हैं, लव यू सुमित भाई, प्लीज गाइड करें थोड़ा, मैं स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है जिसकी वजह से डेली 3 किलोमीटर रनिंग करता हूं, कुछ सजेस्ट करें कि स्टेमिना भी इंक्रीज हो जाए, वेट भी इंक्रीज हो जाए, मेरा वेट लॉस हो रहा है, प्लीज गाइड मी ब्रो। मैं पाकिस्तान से हूं भाई, मैं 60 से 58 पर आ गया हूं 5 दिन में, प्लीज गाइड मी क्या क्या लूँ? सुमित, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो अली कासिम जी देखो सर, इतने प्यार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है। और देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा यार, कि आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को उठा लो, किसी भी एथलीट को उठा लो, किसी भी रनर को उठा लो, किसी भी स्प्रिंटर को उठा लो, किसी भी आप मैराथनर को उठा लो, आपने कभी कोई तगड़ा देखा है? सारे पतले पतले होते हैं। एथलीट्स में तो चलो फिर भी मैं कहूंगा कि चलो थोड़ा बहुत उनके रहता है, पर अदरवाइज रनिंग जो करता है ना यार, रनिंग यही तो दिक्कत है ना, रनिंग सब कुछ खा जाती है, फैट भी मसल भी सब। बट इसमें यह है कि आप कैलोरीज इंटेक को पूरा ध्यान रखें, प्रोटीन इंटेक अच्छा लें, बस मैं आपसे यही कह सकता हूँ, इसके अलावा तो बस समझदार हैं आप। और ऐसा कोई स्पेशल जो सप्लीमेंट आता भी नहीं, गेनर भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो वही वाली बात है, फिर रन कर तो रनिंग रहे हैं ना आप, गेनर भी कहां से देगा? बस कैलरी सरप्लस का ध्यान रखिए, दैट्स इट, आपका जो है वेट नहीं डाउन होगा। अगला क्वेश्चन है निखिल चौधरी कह रहे हैं, भाई लास्ट क्वेश्चन में मुझे अपने बाइसेप्स का साइज इंक्रीज करना, कुछ हेल्प चाहिए सप्लीमेंट बताओ? तो यहाँ पे आप लोग स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर प्रो साइज गेनिंग प्रोटीन और इसके साथ में टेस्टो पावर, ताकि आप कुछ रिजल्ट आ सकें। वीटी कह रहे हैं, भाई बल्क बॉडी करनी है, बाउंसर वाली कैसे करें, कोई डाइट प्लान लो, सप्लीमेंट लें, एज है 19, वेट है 64, हाइट है 5'9". तो यहाँ पर आप लें स्टार एक्स न्यूट्रिशन का पावर प्लस मसल गेनर, जो कि वजन भी बढ़ाएगा, मसल साइज देगा, 22 ग्राम प्रोटीन है यार, उसके साथ में एक टेस्टो पावर ऐड करें, ताकि अच्छे रिजल्ट आ सकें। अभिषेक जी कह रहे हैं, राम राम भाई, मेरा वेट है 67, भाई मैं जिम करके घर आ जाता हूँ, फिर भी मेरा अगले दिन पेट दुखता है, भाई मैं क्या करूँ? मैंने अभी जिम शुरू किया है भाई, घर वाले बोलते हैं पेट पक जाएगा, जिम मत जा अभी, मुझे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है भाई, 17 A17 है, लव यू ब्रो। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि पेट क्यों दुखता है। देखो बाकी स्टार्टिंग में बताऊं, बिगिनर जो होते हैं, जब मैं भी बिगिनर था, मैं भी पहली बार जिम गया था, तो देखो दो रीज़न से प्रॉब्लम आती है। पहला रीज़न ये कि जैसे हम अपने टाइम में जाते थे, मुझे याद है कि मैं भी पहली बार जिम गया था 24 सितंबर 2007 को, मुझे आज भी वो डेट याद है, आज भी वो दिन याद है। और उस टाइम जिम की फीस भी हुआ करती थी 100 रुपये और 50 रुपये एडमिशन, तो मुझे याद है वो टाइम बिल्कुल। और उस टाइम ना कोई बताने वाला हुआ करता था, ना ही यूट्यूब हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता। तो मुझे आज भी याद है कि मतलब 3 दिन बाद मेरी बाइसेप्स में स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि इतनी ओवर ट्रेनिंग कर दी, समझ रहे ना, एज ए बिगिनर काफ़ी ज़्यादा कर दिया, बाइसेप्स में स्वेलिंग आ गई थी। फिर उसके बाद में भाई हाथ को ऐसे लटका था, घूम रहा जैसे टूट गया हो, ये ऐसे करते ही चीख निकल जाए, इतनी स्वेलिंग आ गई। तो कहीं आप ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे, और या फिर आप अपना प्रोटीन इंटेक तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कीजिए, ओवर ट्रेनिंग मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में पेन होता ही है,
कोई दिक्कत नहीं है। और वो इसलिए होता है क्योंकि मसल ब्रेक डाउन होते हैं और बिल्कुल आदत नहीं होती है बॉडी को, तो बॉडी को भी लगता है यार ये किस सिचुएशन में फंस गई हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें बिल्कुल बस वो अपना जो प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, वो ट्रेनिंग ना करें। अगला क्वेश्चन आ रहा है सोनू लोहार जी, कह रहे हैं सर मेरा वेट है 47 और हाइट है 5 है, मुझे कौन सा मास गेनर लेना चाहिए, ले सकता हूँ क्या? तो मास गेनर ले सकते हैं, और आप लीजिए यहाँ पर स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर, मतलब बहुत अच्छा मास गेनर है, प्राइस 2903 किलो, लें ओरिजिनल सप्लीमेंट से। आसिफ जी कह रहे हैं भाई मेरा वेट है 52, स्किनी बॉडी है, हाइट 5'9" है, मुझे वेट गेन करना है और मसल साइज भी बढ़ाना है, हार्ड वर्क करता हूँ बहुत, डाइट भी लेता हूँ लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, प्लीज बताओ क्या करूँ सर, जैसे बॉयस्टर चला जाए। तो आप यहाँ पर स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर उसके साथ एक क्रिएटिन ऐड करें ताकि आप कचरे डाल सकें, और कैलोरी सरप्लस डाइट का विशेष ध्यान रखें, सुबह शाम तक क्या खाना है वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको पता लगेगा। राहुल सिंह जी कह रहे हैं हेलो भैया कोई कम बजट में आइसोलेट प्रोटीन बता दो जो सबसे सस्ता और अच्छा हो। तो यहाँ पर अभी तो कम बजट में नहीं मिल पाएगा क्योंकि सारे ही आइसोलेट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन्स के रेट भी हाइक हो रहे हैं, सारे ही प्रोटीन जो है 5000 से ऊपर हैं, बट जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कोई अच्छा, क्योंकि मेरे को सिर्फ जो है डिमांड फुलफिल नहीं करनी, कोई अच्छा भी तो हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर मोहम्मद जी कह रहे हैं मसल के साथ साइज बढ़ाना है, वेट है 62, तो यहाँ पर आप लें स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर प्लस मसल गेनर, 22 ग्राम प्रोटीन है, सारे विटामिन मिनरल्स हैं, तो आप दी बेस्ट ऑप्शन है। मोहम्मद अरशद जी कह रहे हैं हेलो सर स्टार एक्स न्यूट्रिशन टेस्टो पावर को बेस्ट रिजल्ट के लिए डेली कितनी टैबलेट लेने हैं, और अवतार मसल गेनर के डेली कितनी सर्विंग लें? तो अवतार मसल गेनर की आप 2 सर्विंग लें और स्टार एक्स न्यूट्रिशन टेस्टो पावर की आप 2 टैबलेट की सर्विंग लें अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेशन 2 की है। अगला क्वेश्चन आ रहा है निजाम एसके जी कह रहे हैं लव यू सप्लीमेंट से ला स्टार एक्स मास गेनर तो नया है, क्या इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि इसके रिव्यूज बैड नहीं आएंगे, प्लीज एक्सप्लेन। निजाम जी देखिए बिल्कुल आप ट्रस्ट कीजिए इसके ऊपर, क्योंकि इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स वगैरह जो भी हैं मतलब दी बेस्ट हैं, और पहले जो है मतलब जो है मैंने ऑफलाइन जो है इसको दिया था कुछ ही अपने फैमिली मेम्बर्स को कि भाई देखते हैं क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं क्या कैसे नहीं आ रहे हैं, तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, देन मैंने फिर धीरे धीरे इसको सजेस्ट करना स्टार्ट किया, देन रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, स्टार एक्स न्यूट्रिशन अब मैं कहूँगा कि इस टाइम मोस्ट ट्रेंडिंग मास गेनर है सप्लीमेंट्स वाला, पर स्टार एक्स न्यूट्रिशन ऐसा मास गेनर है जिसके रिव्यूज लवराडा को भी पीछे छोड़ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि इसके रिव्यूज मतलब बुरे नहीं आएंगे, अभी तक तो नहीं आए हैं, ऑलमोस्ट जो है 3 से 4 महीने हो गए हैं इसको सप्लीमेंट्स वाला पर आए हुए, अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनकी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनके रिव्यूज स्टार्टिंग में अच्छे थे, जैसे स्टार एक्स के अच्छे आ रहे हैं, उनके रिव्यूज जो ब्रांड है उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वीडियोस मैंने बनाई है उनकी, आपको पता होगा मार्केटिंग में नंबर 1 है, क्वालिटी में 0, बट ऐसा हुआ कि उनके रिव्यूज यार धीरे धीरे डाउन आने लगे सबसे, मैं जब सप्लीमेंट सारा फैमिली मेंबर से पूछूं क्या रिव्यू है क्या रिव्यू है, तो डाउन आने लगे, सबकी शिकायतें आने लगी, वो ब्रांड मैंने सेल करनी बंद कर दी क्योंकि मुझे ब्रांड से मतलब नहीं है। और अगर स्टार एक्स अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है, या मैं कहता हूं स्टार एक्स, या मैं कहता हूं आरसी, मैं कहता हूं मसल टेक, मैं कहता हूं ऑन, कोई भी ऐसी ब्रांड जो अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाती है, मैं उसे सेल नहीं करूंगा, मैं उसे सेल नहीं करूंगा, ये मेरा दिल है, मेरी आत्मा है ये जो कहती है कि नहीं, जिस सप्लीमेंट को लेने में मुझे ऐसा लगे ना कि यार नहीं मैं तो नहीं लूँ बढ़िया गंदे रिव्यूज हैं, वो आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपको वही ब्रांड सजेस्ट करूंगा, चाहे वो स्टार एक्स है, चाहे वो आरसी है, चाहे वो मसल टेक है। आरसी प्रो एनटीएम के डाइजेशन को लेकर इशू है, हर वीडियो में मैं कह रहा हूं डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्रांड से मतलब नहीं है मेरा, ना ही सेल से मतलब है, मेरा मतलब है आपसे। तो ब्रांड अगर अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी ब्रांड है, मैं उसको सेल नहीं करूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा। यही रीजन है कि सप्लीमेंट्स वाला पर आपको लिमिटेड चॉइस ही मिलती है, अदरवाइज आप जाओ ऑनलाइन किसी साइट पे सर, वहां आप देखेंगे सारे ब्रांड मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सब कच्चे अच्छे हैं क्या, क्योंकि उनको सेल करनी है। और supplementswala.com पे जाओ आप, लिमिटेड मिलेंगे आपको वहां प्रोडक्ट, वही जो है 8-10 प्रोटीन मिलेंगे, 8-10 मतलब जो मास गेनर मिलेंगे, वही मतलब गिनी चुनी ब्रांड्स, गिने चुने प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मेरा गोल सेल का नहीं है, मेरा गोल है वही ब्रांड सजेस्ट करना जो रेटिंग्स में अच्छी है, रिव्यूज में अच्छी है, और जिसके रेटिंग रिव्यूज खराब है हटाओ साइड, सिंपल सी फंडा है अपना, मुझे परिवार से मतलब है, और परिवार कहने के लिए परिवार नहीं है, मानता हूं दिल से परिवार। अगला क्वेश्चन आ रहा है अभी जी कह रहे हैं हेलो सर मैं बिहार से हूं, क्या बिहार में सप्लीमेंट मंगा सकते हैं, मास गेनर लेना है, नेम अभिषेक कुमार, वेट 55, हाइट इंक्रीज 8 kg, 8 kg बढ़ाना, हाइट 5'7" 1.24। तो बिल्कुल बिहार में कोरियर सर्विस अवेलेबल है, स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर अच्छा ऑप्शन है, क्रिएटिन भी ऐड करें उसके साथ ताकि अच्छे रिजल्ट आ सके। कृष जी कह रहे हैं कौन सा गेनर बेस्ट रहेगा और अगर बजट प्रॉब्लम नहीं है, तो गेनर यहाँ अगर बेस्ट रहेगा बजट प्रॉब्लम नहीं है
तो देखो यार बजट प्रॉब्लम है नहीं है, स्टारक्स न्यूट्रिशन इस टाइम सबसे बेस्ट पे चल रहा है, बाकी लवराडा ले सकते हैं, लवराडा 12 LBS भी अवेलेबल हो गया है, तो जिसके रिव्यूज अच्छे हैं 11 और 6.6 से, तो वो भी ले सकते हैं, लें ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से। अगला क्वेश्चन है अमंत जी, कह रहे हैं हेलो ब्रो, मेरी एज है 27 साल, वेट 49 से 50 किलो है, हाइट 5'3" है, कौन सा सप्लीमेंट लूं ब्रो, और भूख भी बहुत कम लगती है, वैसे मैं गट पावर तो लूंगा ही। तो बिल्कुल समझ गया मैं, यहाँ पर सबसे पहले गट पावर ऐड करें, और सप्लीमेंट में आप जो है यहाँ पर लें स्टारक्स न्यूट्रिशन जो है पावर मास गेनर, और उसी के साथ में स्टारक्स न्यूट्रिशन गट पावर, ये दो चीज़ ले लें, डाइट का पूरा ध्यान रखें, भूख भी बढ़ेगी, वजन भी बढ़ेगा, और मसल साइज भी आपका सेकेंडरी आता रहेगा, डाइट का विशेष ध्यान। अगला क्वेश्चन है राज चौधरी, कह रहे हैं भाई मेरे ऊपर बॉडी ठीक ठाक है लेकिन अपर बॉडी ठीक ठाक है लेकिन लेकिन थाई नहीं बन रही है, क्या प्रोटीन लेना चाहिए, वन साइंस का लेना चाहिए चाह रहे हैं। तो वन साइंस का अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वन साइंस का नाइट्रा ले लें, वन साइंस का सिंपल प्रोटीन है, आइसो या हाइड्रो ना ले लें, वन साइंस का नाइट्रा वाला लें, वो बेटर है गेनिंग में, या फिर स्टारक्स का पावर प्रो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो ये प्रोटीन आप लें और वर्कआउट थाइज का हफ्ते में 2 दिन करें अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, ताकि आपको जो है थाइज का मसल इंक्रीज हो सके। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके जो आपने पिछले वीडियो में पूछे हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, आपको कोई क्वेश्चन इस वीडियो में पूछे, वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी सप्लीमेंट चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या फिर supplementsal.com पर विजिट कीजिए। आज के वीडियो में से अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।